नमस्कार, एस एन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय राजमार्ग का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। पहला पार्ट जो काफ़ी पॉपुलर रह चुका है, जिसने अभी तक नहीं देखा तो देख लेना, काफ़ी उस पर कमेंट भी आए हैं कि काफ़ी अच्छा वीडियो था, ट्रिक से था। आज उसी के रेस्पॉन्स के आधार पर मैंने सेकेंड वीडियो बनाया है, तो देखिएगा जो प्रश्न उसमें नहीं थे, आज दूसरे प्रश्न जो आपको डाउट कर सकते हैं, यानी परीक्षा में आप कुछ गलत करके आ सकते हैं, उस गलत नहीं करें आप, इसलिए मैंने ये सेकंड पार्ट लेके आया। देखना, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 15, जो मैंने पहले बता दिया है, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 15 है, जिसकी लंबाई 894.5 किलोमीटर है। ध्यान है ना, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 15 और जिसकी लंबाई 894.5 किलोमीटर, और ये कहाँ कहाँ से गुजरता है मैंने बताया था। सबसे ऊपर पहले ऊपर जाइए, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ सबसे ऊपर जाना, फिर रेगिस्तानी इलाकों में प्रवेश कर जाइए, रेगिस्तानी इलाका बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर, इन रेगिस्तानी इलाकों में चले जाइए, NH 15 कंप्लीट हो जाएगा। तो याद हो जाएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 15, लंबाई 893.5 किलोमीटर, और यह श्रीगंगानगर हनुमानगढ़, फिर बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर से गुजरता है, और ये पठानकोट पंजाब से समख्याली गुजरात तक जाता है। यह प्रश्न आ जाता है, पठानकोट पंजाब से ये शुरुआत होता है और समख्याली गुजरात तक यह जाता है। तो इसमें एक प्रश्न और आता है कि यह है जो NH 15 कितने जिलों से होकर गुजरता है, तो NH 15 मेरे दोस्तों याद रखना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जिलों से गुजरता है, और जिला मुख्यालयों की बात करें तो ये 4 जिला मुख्यालयों से गुजरता है। तो ध्यान रखेंगे कितने जिलों से गुजरता है, 7 जिलों से गुजरता है, और कितने जिला मुख्यालय से गुजरता है, तो 4 जिला मुख्यालय से गुजरता है। दो प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, वो तो था राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, ये है पूर्णतः राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग। राजस्थान का सबसे बड़ा पूछे तो NH 15, और पूर्णतः राजस्थान इसका मतलब होता है कि ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग जो राजस्थान से ही प्रारंभ होता है और राजस्थान में ही खत्म हो जाता है, वो कहलाता है पूर्णतः राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग। तो पूर्णतः राजस्थान में सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 112, जिसे हम NH 25 कहते हैं। NH 112 इसका पुराना नाम है और NH 25 इसका नया नाम है, जिसकी लंबाई 318.81 किलोमीटर है, और ये बाड़मेर, जोधपुर और पाली के जैतारण से खत्म हो जाता है। बाड़मेर से शुरू होता है, जोधपुर और पाली के जैतारण पर खत्म होकर ये NH 14 में मिल जाता है। तो प्रश्न दो प्रकार से हो सकते हैं, अगर आपको पूछ ले कि पूर्णतः राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा, तो आप अगर उत्तर दे देंगे NH 15, क्योंकि आपने तो केवल यही पढ़ा राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, आप उत्तर दे देंगे NH 15, लेकिन ये पूर्णतः आपको परीक्षा में खा जाएगा, यानी पूर्णतः आप नहीं पढ़ेंगे तो प्रश्न गलत करके आ सकते हैं। तो पूर्णतः राजस्थान का मतलब हो गया राजस्थान से शुरू होना और राजस्थान में बंद होना, तो राजस्थान से शुरू होता है और राजस्थान में बंद होता है वो राष्ट्रीय राजमार्ग NH 112, जिसका नया नाम NH 25, जिसकी लंबाई 318.81 किलोमीटर है, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। आगे देखते हैं, आगे देखिए, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग वो है 71B, जो पुराना नाम है ना, पुराना नाम, राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम चेंज हो चुके हैं, तो राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 71B है, जो पुराना नाम है, और उसका नाम नया नाम हो चुका है NH 919 नया नाम है किसका, 71B का, जो राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है और जिसकी लंबाई 4.7 किलोमीटर है, 4.7 किलोमीटर है, और ये केवल एक ही जिले अलवर से गुजरता है, ठीक है ना, ये याद हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न कंफ्यूजन वाला, जो परीक्षा में गलत करके आ सकते हैं, दूसरा देखिए, पूर्णतः राजस्थान में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, अगर ऐसे होता पूर्णतः नहीं होता राजस्थान में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन था, तो आप NH 919 करके आते या NH 71B करके आते, लेकिन पूर्णतः राजस्थान में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछेगा तो आपका उत्तर होगा NH 79A, जिसका नया नाम NH 448, यानी NH 448,
पूर्णतः राजस्थान का मतलब मैंने बता दिया है कि राजस्थान से शुरू होता है और राजस्थान में ही खत्म हो जाता है, तो वो राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्णतः राजस्थान में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया 79A, जिसका नया नाम NH448, जिसकी लंबाई 38 किलोमीटर है, राजस्थान में है, राजस्थान में खत्म हो रहा है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी 38 किलोमीटर। और ये नसीराबाद अजमेर से किशनगढ़ अजमेर तक ही है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH79A है, जिसका नया नाम 448 है, यह नसीराबाद अजमेर से किशनगढ़ अजमेर तक ही राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न बन सकता है यहाँ पे, ऐसा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो केवल एक ही जिले से स्टार्ट होता है और एक ही जिले में खत्म होता है। तो मेरे दोस्तों आपका उत्तर होगा NH79A। कौन सा जिला पूछे तो जिला पूछेगा तो क्या बताएंगे अजमेर, नया नाम पूछेंगे तो क्या बताएंगे NH448। याद हो जाएगा, दोनों कंफ्यूजन वाले हैं तो दोनों में अंतर भी है, वो अंतर हमें याद रखना है, अंतर जिसके समझ में आ जाएगा वो अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ, ये भी प्रश्न परीक्षा में आ जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम कब चालू हुआ। तो 1999 से लगाकर 2000 तक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम चालू हुआ। कब चालू हुआ, 1999 से 2000 तक, जो है अटल बिहारी वाजपेयी के समय थे। अटल बिहारी वाजपेयी थे, क्या थे, प्रधानमंत्री थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में ये कार्यक्रम चला था, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम 1999 से 2000 तक। अब प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कब चला, तो ये तो बता देंगे 1999 से 2000 के समय प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, अटल बिहारी वाजपेयी। तीसरा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि किन के सहयोग से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, तो याद रखिएगा विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और जापान के सहयोग से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम। विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और जापान के सहयोग से ये चलाया गया था। ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यह भी परीक्षा में आ जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना इस राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य था, जिसमें 4 से 6 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना, जिससे यातायात सुगम हो और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल सके। अब इस राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के 2 चरण थे। प्रथम चरण में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना लागू करना था और द्वितीय चरण को 2 भागों में इन्होंने बांट दिया, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। तो प्रथम चरण में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का लागू करना था, जो योजना मार्च 2001 से प्रारंभ हुई। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कब लागू हुई, यानी कब से प्रारंभ हुई, तो मार्च 2001 से ये प्रारंभ हो गई और 2012 में ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का प्रारंभ कब हुआ, तो मार्च 2001 से, और ये कब पूरी हुई, 2012 में पूर्ण हुई। तो द्वितीय चरण राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम का द्वितीय चरण, जिसे 2 भागों में बांट दिया, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। फेज फर्स्ट में पूर्व पश्चिम गलियारे की बात कही गई है और फेज सेकंड में उत्तर दक्षिण गलियारे की बात कही है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, राजस्थान का सबसे बड़ा, पूर्णतः राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे छोटा, पूर्णतः राजस्थान का सबसे छोटा, और ये राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो समझ में आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने हेतु प्रेरित करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें नियमित रूप से जो क्विज होती है उसमें भाग लेने का प्रयास करें और हम इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा के बारे में एक और वीडियो लेकर अतिशीघ्र आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।